हेलो एवरीवन, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट सम क्वेश्चंस। हियर स्टूडेंट, आज हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन हमने कल आपको दे दिया था। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है आपका, चूज स्ट्रॉन्ग एसिड फ्रॉम द फॉलोइंग, मतलब इन सब में से आपको स्ट्रॉन्ग एसिड को चूज करना है। तो कौन कौन से एसिड हैं पहले लिख लेते हैं हम। पहला आंसर हम बता रहे हैं CF3COOH, ये हो गया एसिटिक एसिड। देन F2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, देन F2VO3 कार्बोनिक एसिड, एंड देन HNO3 नाइट्रोजन एसिड। इन सब में के एसिड में क्या खूबी है हमारा, जो F2SO4 है और जो HNO3 है, मतलब सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, इनकी क्या होती है, जो आयनाइजेशन पावर होती है वो ज़्यादा होती है। ठीक है, ये आ रहा, ये क्या करते हैं, इनको आयंस जनरेट कर देंगे। ठीक है, इनकी आयनाइजेशन पावर ज़्यादा होती है, तो ये आपके क्या हो जाते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाते हैं। बाकी ये क्या है, आपके वीक एसिड होते हैं। ये दोनों आपके वीक एसिड हैं, और वीक एसिड क्यों हैं, क्योंकि इनकी जो आयनाइजेशन पावर होती है वो कम होती है, इसीलिए ये क्या होते हैं, आपके वीक एसिड हो जाते हैं। तो स्ट्रॉन्ग एसिड में F2SO4 और HNO3 आपका है। बाकी ये दो बच रहा है, जो कार्बोनिक एसिड और एसिटिक एसिड, ये आपके वीक एसिड होते हैं ड्यू टू इट्स आयनाइजेशन पावर। देखिए कह रहा, ए वाइट कलर्ड पाउडर इज यूज बाई डॉक्टर फॉर सपोर्टिंग फ्रैक्चर बोन, मतलब कह रहे हैं जब हमारे कोई बोन्स फ्रैक्चर हो जाते हैं तो डॉक्टर वहाँ पर क्या यूज करता है, कोई वाइट पाउडर का यूज करता है। बताना है विच केमिकल नेम एंड फार्मूला पाउडर, मतलब हम आपको ये पाउडर के केमिकल नेम और फार्मूले को आपको बताना है। तो आप देखिए, सेकेंड का ए देखते हैं हम लोग, इसका नाम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। इसका फार्मूला होगा CaSO4 × R H2O। ठीक है, तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट हो गया। ठीक है, देन देखिए पहला क्वेश्चन हो गया, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट एंड फार्मूला इज CaSO4 × R H2O। देन सेकेंड क्वेश्चन दे रहा है बी में, When this white powder is mixed with water, a hard solid mass is obtained. Right balance chemical equation for the chain. कह रहे हैं इस white powder को जो हम लोग water के contact में लाते हैं तो क्या हो जाता है, ये hard solid बन जाता है। तो देखिए इसमें क्या हो जाता है, B वाले में calcium sulfate hemihydrate is reacted with 3/2 मालिक्यूल्स ऑफ H2O, देन इट प्रोवाइड अस CaSO4 × 2H2O। मतलब ये कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट जब वाटर के 3/2 मालिक्यूल से रिएक्ट करता है तो आपको कैल्शियम सल्फेट × 2H2O प्रोवाइड कर देता है। ठीक है, ये सेकंड हो गया। थर्ड में देखिए, एक्सप्लेन द एक्शन ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऑन द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। देखिए डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का आपको एक्शन कराना है, उसमें क्या कर दिया आपका, मैग्नीशियम रिबन। ठीक है, देखिए हमको क्या करना है, थर्ड का एक ही बात कर रहे हैं, मैग्नीशियम रिबन मतलब Mg हो गया, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड आप लिख देंगे HCl, ये डाइल्यूट है आपका। ठीक है, रिएक्ट जब कर देगा तो ये आपको क्या देगा, MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस। बैलेंस नहीं है, दो Cl दो H है तो 2HCl आप कर देंगे, क्या हो जाएगा Mg+2HCl रिजल्ट Mg2+डाइहाइड्रोजन। ठीक है, ये हो गया। तो जब सोडियम मैग्नीशियम रिबन हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ क्रिएट करता है तो हमको दे देगा मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस। देन देखिए बी में क्या कह रहे हैं आपसे, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला होता है NaOH, ये रिएक्ट करेगा HCl। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, एसिड टू वाटर और सॉल्ट बनाते हैं, इसे हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो ये हो जाएगा आपका NaCl एंड H2O। देन थर्ड में है क्रफ्ट एक्सेल, तो देखिए जो हमारा एक्सेल होता है वो किसका बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का। तो अब हम लोग क्या कर देंगे, कैल्शियम कार्बोनेट का रिएक्ट करा देंगे HCl से, तो क्या दे देगा आपको CaCl2
प्लस सी ओ टू प्लस एच टू ओ, ठीक है। मतलब जब कैल्शियम कार्बोनेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो कैल्शियम क्लोराइड बनाता है, सी ए सी एल टू कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा और वाटर, तो दो और वन ये थ्री ऑक्सीजन हो गया, वन सी ए हो गया, वन कार्बन, ठीक है। बाकी दो हाइड्रोजन है और दो सी एल है, तो आप यहाँ दो कर लेंगे। देखिए ये थ्री क्वेश्चन थे बेटा, तो हो गए। पहला क्वेश्चन आपका क्या था, चूज करना था, चूज स्ट्रॉन्ग एसिड फ्रॉम द फॉलोइंग, एसिडिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, कार्बोनिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। तो इनमें क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। फिर अ वाइट कलर्ड पाउडर इज यूज बाई डॉक्टर फॉर सपोर्टिंग फ्रैक्चर्ड बोन, मतलब डॉक्टर क्या करते हैं जब हमारा बोन फ्रैक्चर होता है तो वाइट पाउडर का यूज करते हैं। बताना है इस वाइट पाउडर का केमिकल नेम क्या, फॉर्मूला क्या, केमिकल नेम हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट एमी हाइड्रेट है सी एस एस ओ फोर इंटू हाफ एच टू ओ हो गया फॉर्मूला। फिर वेन दिस वाइट पाउडर इज मिक्स्ड विथ वाटर हार्ड सॉलिड मास इज ऑब्टेन राइट बैलेंस कैलकुलेशन, कह रहे हैं जब हम लोग इस वाइट पाउडर का रिएक्शन वाटर के साथ कराते हैं तो हमको हार्ड सब्सटेंस मिलता है, इसका आपको केमिकल इक्वेशन दिखाना। तो केमिकल इक्वेशन देखिए ये है, सी एस ओ फोर इंटू हाफ एच टू ओ प्लस थ्री बाई टू एच टू ओ, देन इट गिव दैट सी एस ओ फोर इंटू टू एच टू ओ, ठीक है। देन देखिए क्या है, एक्सप्लेन रिएक्शन ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऑन द फॉलोइंग विद केमिकल इक्वेशन, मतलब हमको क्या करना है, केमिकल इक्वेशन लिखना है, ठीक है। देखिए मैग्नीशियम लिवन है तो मैग्नीशियम का हम लोग हाइड्रोक्लोरिक के साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ ट्रीट कराएंगे तो क्या बन जाएगा आपका, एम जी सी एल टू एंड डाई हाइड्रोजन, एन ओ एच प्लस एस सी एल तो हो जाएगा एन सी एल प्लस एच टू ओ, सी ए सी ओ थ्री प्लस एस सी एल देन एट सी ए सी एल टू सी ओ टू एंड एच टू ओ, ठीक बेटा। तो आज के लिए इतना ही, बाकी आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।